सराफा की मिठास और 56 दुकान के चटपटे स्वाद के लिए मशहूर इंदौर में इस वक्त हम भी एक जगह मौजूद है जहां पर एक अलग तरह के खाने का स्वाद लेने के लिए हम बैठे हैं। और इस स्वाद में हमारे भागीदार है विधानसभा नंबर 1 से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग वैरायटीज का स्वाद ले रहे हैं, इंदौर की राजनीति का स्वाद कैसा है, चटपटा या मसालेदार? बहुत बढ़िया, मजेदार है। इंदौर की राजनीति इतनी सात्विक है कि बस, और इसलिए इंदौर की जनता भी बहुत शानदार है। जो व्यक्ति काम करता है उसके पीछे रहती है जनता, और इसलिए बहुत अच्छा मजा आ रहा है। अलग अलग तरह के बयानों और आरोपों का तड़का लगाने की कोशिश की जाती है कि कैलाश जी ऐसे है, कैलाश जी वैसे है, आए नहीं है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसा है कि विरोधी हमेशा विरोध करने का कोई बहाना ढूंढते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को इंदौर की जनता ऐसा नहीं, कोई आज मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, मेयर रह चुका हूँ। मेयर रह के मैंने इंदौर में एक नए नए प्रकार के उपक्रम किए। आज इंदौर ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर है, तो उसकी शुरुआत मैंने की थी इंदौर में, तो इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे को किसी विरोधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इंदौर के मुद्दों की हमेशा बात होती है, आपने वचन पत्र जारी किया है, बहुत सारी चीजों पर काम करने की बात आपने कही है। जब आप महापौर थे तो आज जो इंदौर की तस्वीर है, जनता उसको याद करती है कि कैलाश जी ने बहुत काम किया है, क्या विजन आप लेकर चल रहे हैं इंदौर के? देखिए, इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, एजुकेशन में बहुत पोटेंशियल है, हेल्थ में बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और इंदौर हर चीज़ में अंदर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन में नंबर वन हो, हेल्थ सर्विसेज में नंबर वन हो, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जिससे विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी यदि उसको आवश्यकता हो ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल। आपने अभी बात की इंदौर की, कांग्रेस का कहना है कि कैलाश जी ने वादे वो कर दिए जो विधायक की सीमा से परे है। अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कैलाश जी ने इंदौर के विकास के वादे कर दिए है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है विकास को लेकर, वो एक विधायक के लिए संभव नहीं। किस आधार पर ये सब चीजें रखी? मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भाई, मेरे संबंध आज केंद्र में भी है। मैंने एक फोन किया रेल मंत्री को, सीधे आ गए हो, उन्होंने 35-40 करोड़ का लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन बनाया था, मैंने कहा नहीं बड़ा बनाएंगे, 250 करोड़ का उन्होंने बना दिया, तो मेरे संबंध भी है। 10 साल से मैं देश की राजनीति कर रहा हूँ, केंद्र के आधे मंत्री मेरे दोस्त, इसलिए जैसे करना ये मुझे आता है काम, लोग क्या क्वेश्चन करेंगे मुझ पर। बहुत कम समय बचा है चुनाव में, उसके बाद नतीजे आएंगे, क्या आप देख रहे हैं कि कितना सीटें बीजेपी लाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और कांग्रेस ये कहती है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो उन लोगों की खैर नहीं जो बीजेपी का झंडा या बीजेपी का निशान जेब में लेके चलते हैं। देखिए, ये गीदड़ भपकी है, उनको मालूम है कि उनको आने वाले हैं नहीं। मैं पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ और इतना जबरदस्त अंडर करंट है बीजेपी का, बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। ये है कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर चटपटा इंदौर जितना है उतने चटपटी बयानबाजी करते हैं, उतने चटपटे जवाब दिए हमारे सवालों के। साथ ही कैलाश जी ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी और जो जीत हासिल करेगी वो ऐतिहासिक होगी। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।